हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि अगर आप एक गेमर हैं और आप गेमिंग वीडियो बनाते हैं, साथ में आप चाहते हैं कि आप फ्री फायर मैक्स जो गेम है उसको आप YouTube पर लाइव प्ले करना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्री फायर मैक्स गेम को आप लाइव कैसे प्ले कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं YouTube पर अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन रहता है उस पर क्लिक करना है और यहाँ गो लाइव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए आपको जो है गेमिंग वीडियो आपको लाइव करना है YouTube पर, तो यहाँ पे कैमरा के बगल में एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन शेयर करना होगा। तो यहाँ पे कैमरा के बगल में जो ऑप्शन है तो उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए टाइटल लिख देते हैं, फ्री फायर गेम प्ले लाइव, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना टाइटल लिख देना है। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन में नहीं रखना है, इसके कैमरा के बगल में जो शेयर वाला ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग जब YouTube पर लाइव गेम प्ले करेंगे तो ये मोबाइल का स्क्रीन जो है लाइव वहाँ शो होगा। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन रखना होगा, यहाँ टाइटल लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपका गेम टाइटल यहाँ पर शो होगा। उसके बाद देखिए ऑडियंस में जो है यहाँ ऑप्शन में जाना है और इसको नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे आप जो है आप लाइव जो करेंगे उसको लेटर बाद में भी पब्लिश कर सकते हैं, तो सेव फॉर लेटर भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लोकेशन वगैरह उतना मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे जाना है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आप चाहते हैं कि आप जो गेमिंग वीडियो ये लाइव कर रहे हैं उस पर भी मतलब मोनेटाइजेशन इनेबल करना है, तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन ऑन कर देना है। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो ये ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अब एक बार बैक आ जाना है एडवांस सेटिंग करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे थंबनेल ऐड करना है, आप पहले से थंबनेल बना के रख लीजिएगा लाइव गेमिंग का। और यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे जाके जो है आप यहाँ अपलोड थंबनेल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड थंबनेल से यहाँ थंबनेल क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप फ्री फायर गेम खेलेंगे तो आपका मोबाइल जो है लैंडस्केप में रहेगा, इस तरह से रोटेट मोड में आप खेलते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे गेम खेलते हैं तो इस तरह मोड में खेलते हैं, तो आपको यहाँ पे लैंडस्केप मोड रखना है। और यहाँ पे अगर आपको जैसे टेम्पल रन वगैरह गेम होता है तो उसके लिए पोर्ट्रेट मोड या सीधा मोड में खेलना होगा, तो आपको फ्री फायर खेलना है तो लैंडस्केप में करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि आपका जो माइक है गेम का साउंड कैप्चर करेगा जो आप गेम खेलेंगे, तो यहाँ पे आपका साउंड जो साउंड का वॉल्यूम है जो मीडिया वाला वॉल्यूम रहता है उसको यहाँ पे बढ़ा के पूरा फुल कर देना है, और आपके अगल बगल भी का भी साउंड भी कैप्चर हो सकता है, तो आपको थोड़ा शांत जगह पर खेलना है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ गोट इट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे जो है ये ऑप्शन को जो है यहाँ पे इनेबल कर देना है, ठीक है, यहाँ पर से जो है इनेबल कर देना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विथ यूट्यूब, तो यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है लाइव स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे फेस दिखेगा और आप चाहते हैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कैमरा का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका लोगो शो होने लगेगा। अब इस लोगो के साइज़ को आपको छोटा करना है ताकि आपको गेम खेलने में डिस्टर्ब ना हो, तो आपको यहाँ पे देखिए सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, और सेटिंग के ऑप्शन पर जाने पर देखिए यहाँ पर इसको कम कर देंगे तो ये आपका गेम का ये जो लोगो का साइज़ है या कैमरा का साइज़ छोटा हो जाएगा, और इसको मूव करके आप अपने सही जगह पे रख सकते हैं जहाँ से आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बैक आ जाना है, और उसके बाद आपका जब गेम पूरे तरह से रेडी हो जाएगा, पूरे तरह से आपका जो है पूरा सेटअप हो जाएगा, जब आप खेलने के लिए रेडी हो जाएंगे तब यहाँ पर आपको गो लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तब जो है आपका मोबाइल का स्क्रीन पे जो भी आप लाइव खेलेंगे, आप जैसे गेम अपना फ्री फायर खेलेंगे तो वो आपका यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव चलेगा और लोग आपको लाइव खेलते हुए वहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं।